हाँ जी बेटा स्टार्ट इट, हरी अप। हैज स्टेशनरी पॉइंट एट, ऑप्शंस दी हुई हैं बेटा, फर्स्ट बी एक्स इज इक्वल टू वन बाय ई, सी एक्स इज इक्वल टू वन, डी एक्स इज इक्वल टू रूट ई। हाँ जी थर्ड क्वेश्चन, एट एक्स इज इक्वल टू फाइव पाई बाय सिक्स, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू साइन थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस थ्री एक्स इज, ऑप्शन दी हुई है ए मैक्सिमम, बी मिनिमम एंड सी जीरो, डी नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। क्या करेंगे मैक्सिमा मिनिमा की, पहले क्वेश्चन में क्या करना है हमें, पहले डेरिवेटिव निकाले उसको इक्वल टू जीरो, जो पॉइंट आएगा अगर तो एक पॉइंट आता है तो टेंशन ही फ्री, वो सीधा पुट करो वो मैक्सिमम ही होएगा, डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन भी सारी ई में है। अगर एक ऑप्शन होती ना कि नो मैक्सिमम वैल्यू, तो मुझे टेंशन होती कि मैं डबल डेरिवेटिव भी चेक करूं और फिर देखूं, अगर कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है तो 100% जो एक पॉइंट निकला है उसी पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैंने कल भी ये बात समझाई थी। ओके जी निकालिए डेरिवेटिव लीजिए फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन का। सबने कैलकुलेट कर लिया सबने? हाँ जी लेट अस सी द आंसर। हाँ जी आंसर इज सी ऑप्शन, वन बाई ई आया, चेक कीजिए लॉग एक्स बाय एक्स है ना। हाँ जी वन बाय ई इज द आंसर, चेक कर लीजिए डेरिवेटिव क्या आया, फर्स्ट वन माइनस लॉग एक्स ओवर एक्स क्या, ये सबका आ गया ना, वन माइनस जो है लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको इक्वल टू जीरो पुट करो, जब इसको इक्वल टू पुट किया जीरो तो वन माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू जीरो, लॉग एक्स इज इक्वल टू वन, वन कब होता है जब एक्स की वैल्यू ई हो, मैंने कल भी ये बताई थी लॉग ई ही वन होता है, तो दैट मीन्स एक्स की वैल्यू ई आ गई। अब एक ही पॉइंट आया ना, मैंने कल हमने किया था एक्स ओवर लॉग एक्स का, तो मैंने तब भी आपको ये बताया था ऑप्शन में जो है वहां पर कोई नॉट डिफाइंड या ये नहीं लिखा नो मैक्सिमम वैल्यू, लिखा होता तो मैं डबल डेरिवेटिव चेक करती निकालती उस पे ये वैल्यू पुट करके देखती कि वो लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ वो कोई निकालने की चेक करने की जरूरत ही नहीं है, या दो वैल्यूज होती एक्स की तो मैं निकाल के देखती, जब यहाँ वैल्यू ही एक है तो मुझे पता 100% उसी पे मैक्सिमम आएगा, तो मुझे कुछ आगे चेक करने की जरूरत नहीं। सिंपल एफ ऑफ एक्स में आप क्या पुट करो, ई पुट करो एक्स की, तो लॉग ई वन और नीचे ई, तो आंसर कितना आएगा वन बाय, ये शॉर्टकट बता रही हूँ। कनुबा पता चला बेटा? हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट रसिका सृष्टि तेगवीर, ओके चलिए बेटा नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अब मुझे स्टेशनरी पॉइंट बताना है, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। एफ डैश एक्स निकालिए, इक्वल टू जीरो पुट कीजिए जल्दी। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, बिल्कुल क्योंकि वेरिएबल पावर वेरिएबल है, अब डायरेक्टली इतना बड़ा क्वेश्चन वेरिएबल पावर वेरिएबल का कम आता है, तो इसीलिए अब वेरिएबल पावर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट अगर यूज करना है तो हाँ जी चेक कर लो निकालो। लेट अस सी मेरे पास जो है इसका आंसर कितना आया 36 का। हाँ जी वन बाई करिए जल्दी, सबने कर लिया, करके देखो बेटा डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू जीरो पुट करके करो तो सही, करके देखो ना, उन्होंने कह दिया
बुक भी तो गलत हो सकती है ऑप्शन में. y इज इक्वल टू x पावर x, जब वेरिएबल पावर वेरिएबल होता है तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? दो मेथड से ले सकते हैं, एक तो e और log लेके, या दोनों तरफ log लेके, log x पावर x. तो क्या हो जाता है? x log x. अब डेरिवेटिव लेंगे, ये देखो ये वेरिएबल पावर वेरिएबल है ना, इसीलिए अगर होता x की पावर 2 तो डेरिवेटिव क्या होता है? 2x. अच्छा अगर होता 2 की पावर x तो a की पावर x log a. यहां पर क्या है? वेरिएबल पावर वेरिएबल, इसीलिए log ऑन बोथ साइड करके की. हाँ जी वो भी बता देती हूँ, पहले ये सुन लो ठीक है. ये पता चल गया, अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया, अब मैं क्या लूंगी? डेरिवेटिव. मैं ये सेकंड क्वेश्चन रब कर रही हूँ, इसी पे हम करते हैं. अब मैंने डेरिवेटिव लेना है तो 1/y y' इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो y डैश इज y, ऊपर जाएगा तो वो x पावर x ही है, 1 प्लस log x. ठीक है जी, इसको इक्वल टू जीरो पुट करना है ना. जब मैंने इसको इक्वल टू जीरो पुट किया, ये x की पावर x तो जीरो नहीं हो सकता ना, तो सिंपल क्या रह गया? 1 प्लस log x इज इक्वल टू जीरो, यानी log x इज इक्वल टू -1. अच्छा चाहे ये माइनस आप इधर ले जाओ, डजंट मैटर, ये माइनस इधर रहने दो, माइनस माइनस है, इसको पावर ऊपर लेके जा सकती हूँ, लेके जा सकती हूँ कि नहीं? तो ये log x की पावर -1 इक्वल टू 1 रहना तो क्या है, यहां पर e बनेगा ना, तभी ये 1 आएगा ना. तो e की पावर -1 x की वैल्यू, तो यानी x की कितना हो गया? 1/e. पता चला कैसे आया 1/e? क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, वो भी करने लगी, ये रब कर दूं. बेटा डेरिवेटिव तो यही आना है, चाहे लॉग उससे करो. वो कैसे? मेरे पास जो है हाँ जी ये देखिए, ई लॉग एक्स पावर एक्स, अब डेरिवेटिव यही ले लेंगे. ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास? ये चीज है ना, ई पावर एक्स ही रहता है. ओके, साथ में मेरे पास क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव. अब ये वो एक्स आगे आ जाएगा, तो आगे डेरिवेटिव लोगे एक्स लॉग एक्स का. वो x log x का डेरिवेटिव कैसे आएगा? फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ये कट गया, 1 प्लस log x इनटू ये ना, ये किससे बना है? x पावर x से. डेरिवेटिव तो यही बनना है, जिस मर्जी मेथड से कर लो. सबको बात समझ आई? e जो है e की पावर -1 कैसे आई थी? चलूं बेटा आगे, चलिए थर्ड क्वेश्चन. Let us do the third question. Stationary point का मतलब ही क्या है? Critical point, मतलब f dash x equal to zero put करने. ठीक है जी? अब next देखिए. चलिए. उसने कहा इस point पे बताइए ये maximum है, minimum है, क्या है? Derivative लीजिए. Okay? Double derivative लीजिए. उस पे ये point put करके देखो. Function क्या आ रहा है? Negative आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम होगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो मिनिमम होगा. उल्टा होता है. निकालिए जल्दी, निकालो, समय अंक आ रही है बेटा. जल्दी जल्दी करोगे आप लोग खुद ही, मैं करवाई जाऊंगी तो बड़ी प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, आप खुद ट्राई नहीं करते हो. आपने डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करके देखा कैसे? मतलब मैंने, आपने पहले ये चेक किया कि ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है? पहले भी तो वो पहला स्टेप तो वही होता है ना. अगर ये क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं आ रहा
नहीं चेक किया ना कनुबा, सीधा ही फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, पहले तो ये चेक करना है। मान लो कि ये पॉइंट ऐसा है, सपोज मेरे पास तो है यहां कहीं आ रहा है, यहां ये पॉइंट, ये पॉइंट तो ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा ना, समझ आई मेरी बात? तो इसीलिए पहले वो पॉइंट चेक जरूर करो, क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसको कैसे चेक करते हैं? एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, वहां से पॉइंट तो निकालो, निकालो जल्दी। क्वेश्चन लिखो, ट्राई करो दमन। जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए बेटा। अच्छा एक और शॉर्टकट बता सकती हूं मैं आपको, बताऊं क्या? लेट अस सी। इसके लिए वो शॉर्टकट क्या है मेरे पास हो गए, जब भी ऐसे साइन कॉस की वैल्यू आए ना, यहां पर कोई डिफरेंट टर्म्स है, डिफरेंट टर्म्स है मतलब ए बी है और ये वैल्यू सेम है, मींस एनी फंक्शन ऑफ दिस टाइप ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स ऐसा है, तो इनकी वैल्यू हमेशा पता किनके बीच में लाई करती है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के बीच में, और इधर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में। ओके, यानी जो वो वैल्यू होगी ये मिनिमम होगी, ये मैक्सिमम होगी, हम उससे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। पर मुझे क्या पूछा गया है इस पॉइंट पे, अभी इस पॉइंट पे हम क्या करें, फंक्शन की वैल्यू देखें वो क्या आ रही है। अगर वो इन दोनों में मतलब ये वाली वैल्यू आ रही है तो 100% वो मैक्सिमम होगी, अगर नहीं आ रही तो मतलब नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। शॉर्टकट बताया मैंने, जब भी कोई भी फंक्शन इस टाइप का हो हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सीधा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसी टाइप का है तो मैं क्या करूं, यहां माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 4 प्लस 9 13, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस रूट 13 है और मैक्सिमम वैल्यू रूट 13, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मैं सीधा 5 पाई बाय 6 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालूं, जरा निकालिए 5 पाई बाय 6 पे 2 साइन, जब मैंने 5 पाई बाय 6 पुट किया तो ये कितना आ गया 5 पाई बाय 2 ही हुआ ना, प्लस 3 कॉस यहां पर पुट किया तो ये भी 5 पाई बाय 2। ओके, अब 5 पाई बाय 2 पे साइन की वैल्यू निकालो, जल्दी जल्दी निकालिए साइन की वैल्यू निकालिए। आपको पता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 साइन पे कितना होता है, सीधा याद रखा करो ना 1, और कॉस 0। बेटा कनुमा पहले ये बात सुन लो बेटा, साइन का ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 1 होता है, मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, और कॉस 0 होता है, तो सिंपल इसकी 2 × 1 आंसर कितना निकला 2। क्या ये 2 मैक्सिमम वैल्यू को मैच कर रहा है? नहीं कर रहा ना मिनिमम को, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम या मिनिमम होता तो दोनों में से कोई आंसर होता ना, तो दैट मींस इस फंक्शन की ना तो मैक्सिमम वैल्यू है ना ही मिनिमम वैल्यू। समझ आई मेरी बात बेटा? मैंने एक शॉर्टकट आपको समझाया है, इफ एनी फंक्शन इज ऑफ दिस टाइप, कैसे मतलब बेटा, साइन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ये 5 ऑड है, ये पाई बाय 2 का मल्टीपल है, तो साइन 7 पाई बाय 2, साइन मेरे पास जो है 3 पाई बाय 2, वो हमेशा क्या होता है 1 होता है, इवन पे 0 आता है, ठीक है।
क्योंकि वो कट जाना है यहां पर। अब कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू वो जीरो होता है, साइन वन कॉस्ट हो गए वो जीरो, तो इसीलिए ये तो सारी जीरो होगी ना, तो टू इंटू वन आंसर इज टू। अब ये जो वैल्यू है अगर मैक्सिमम या मिनिमम होती तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होनी थी, तो यहां पर वो मैच नहीं कर रही, यानी ना तो इस पे मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू। मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर यहां आ जाता रूट ऐसे माइनस रूट थर्टीन आ जाता, लेकिन मुझे मैक्सिमम पूछा गया था तो मैं कहती मैक्सिमम नहीं कौन सी मिनिमम वैल्यू, तब मैं मिनिमम वाली को टिक करती कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है वो क्या है मिनिमम वैल्यू। ये एक शॉर्टकट बताया कि जिसमें ना तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें निकालने की जरूरत है ना सेकंड की, लेकिन किसमें ये यूज होता है व्हेन एनी फंक्शन इज ऑफ द टाइप ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ओके हाँ जी वो भी देख लेते हैं। लो जी वो इसीलिए नहीं करते उससे बड़ा हो जाता है, तो इसी वजह से हम शॉर्टकट यूज कर रहे थे। लेट अस डू एफ डैश एक्स, हाँ जी टू कॉस मेरे पास हो गए, हाँ जी बिल्कुल जी भी सिक्स कॉस एक्स थ्री एक्स माइनस नाइन साइन थ्री एक्स इक्वल टू जीरो पुट करें तो मेरे पास थ्री थ्री तो ये कट ही जाना है, यहां पर टू रह जाएगा यहां पर थ्री रह जाएगा, टू कॉस थ्री एक्स इक्वल टू थ्री साइन थ्री एक्स ये इधर बन जाना टेन। ये देखो मेरे पास कोई वैल्यू ही नहीं निकलनी ना यहाँ पर, फाइव पाई बाय सिक्स तो निकलनी नहीं है ना, तो वहीं से भी पता चल जाना कि मेरे पास वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। समझ आ गई बात बेटा, वहां से भी पता लग सकता है, बट बेटर है हम ये भी कॉन्सेप्ट याद करें। मान लो आपको सिंपल आता फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो तुम क्या करते पहले फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव करते ना वहां पर सारा, तो बेटर क्या होता आपको सीधा कहते कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज करो, मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल सी बात। ओके जी चलू बेटा आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज चलो एक और क्वेश्चन साइन कॉस पर बेस थ्री क्वेश्चंस फिर लिखूंगी। इफ एफ ऑफ एक्स या इफ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर मेरे पास हो गए इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स टू एक्स प्लस कॉस एक्स देन ए f has a minimum at x is equal to pi, b f has maximum at x is equal to zero, then c f is a decreasing function and d mere paas F is a increasing function। चलिए जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए, पहले में डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग आपने निकाला इंक्रीजिंग, लेट मी चेक द आंसर। यस इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन बिल्कुल, कैसे चेक करें डेरिवेटिव ले पहले 2 माइनस साइन एक्स आया बेटा, अब इसको चेक करना है ना कि ये कैसा है ग्रेटर देन जीरो है लेस देन जीरो है ना, तभी उसके बाद ही होगा। साइन एक्स लाइज बिटवीन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन, मुझे माइनस चाहिए, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी चेंज, तो वन
ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस साइन एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। टू क्या कर दें, ऐड कर दें मेरे पास। तो जब टू ऐड किया थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू मेरे पास हो गए टू माइनस साइन एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये डेरिवेटिव का ले रहे थे ना, तो अगर मेरे पास डेरिवेटिव वन से बड़ा है, जीरो से बड़ा ही होगा ना, तो 100% फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। ओके जी, क्लियर। चलें बेटा आगे, मैक्सिमा मिनिमा में थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोल्ड होके थोड़ा सा हमें वास्ट सोचने को मजबूर करते हैं। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास बेटा, हाँ जी, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इंटरवल, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इंटरवल ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x इन 0 to 9 इज ए 126, बी 135, सी 160, डी 0। निकाली है उनमें से, देख ली कि वो सबसे छोटी है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू। कैसे पता चला स्मॉलेस्ट है वो, कैसे कोऑर्डिनेट में से बिना एवैल्यूएट करके कैसे निकाल ली। हां जी, थिंक ओवर इट जल्दी जल्दी। करो कनुबा, मेरी तरफ क्या दिख रहे हो। ठीक है जी, ठीक है, चलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे इसमें एक जैक भी लग सकता था, पता क्या कि प्रॉब्लम पता कहाँ आती है। वैसे तो ये एब्सोल्यूट था, मतलब इसमें कोई टेंशन नहीं है कि इस इंटरवल पे सबसे छोटी इस पे बड़ी, बट कई बार बीच में कोई ऐसा पॉइंट हो, जरूरी तो नहीं कि एक्सट्रीम वैल्यू पे ही छोटी बड़ी आ सकती है। आपके पास अगर इंटरवल मान लीजिए यहां से यहां तक है तो 100% यहां पर छोटी होगी, बट अगर इंटरवल तुम्हारा ये है और इंटरवल यहां से यहां तक दिया है तो बेटा ये वैल्यू सबसे छोटी नहीं होगी, है ना, यहां पर। हाँ, तभी, अदरवाइज नहीं आती। मैं यही आपको बात समझा रही हूं ना, कि मैंने डायग्राम देखे यही आपको, अगर इतना होता सिर्फ, मतलब वो टोटली इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है, तो 100% छोटी वैल्यू छोटी है और बड़ी ने बड़ी रहना है। लेकिन इंटरवल अगर चेंज हो रहा है जिसमें आधे में इंक्रीजिंग आधे में डिक्रीजिंग हो रहा है, यही मैंने डायग्राम पे समझाया ना, तो यहां तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ये होनी चाहिए थी, लेकिन तब हम ये नहीं ले सकते। डेरिवेटिव लेके पॉइंट जरूर निकालो, यहां पर निकालने ही पड़ने, ठीक है, तो वहां पर फिर चेक कर लो कि अगर वो क्लियर कट पॉइंट जो है सिंपल आगे इंक्रीज कर रहे हैं और सारे पॉजिटिव हैं, तो तब कोई टेंशन नहीं। आप ये मत सोचो कि वैल्यू -2 या -3 नेगेटिव होगी तो वो डिक्रीज कर जाती, उसको भी इंक्लूड नहीं कर सकते। मैं आपको कह रही हूँ टोटली इंटरवल पे, मान लो ये वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 1 पे थी सुहावी, ठीक है, ये 2 पे है, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, मैंने इंटरवल 1 to 6 लिया, वैल्यू सारी एक्स की पॉजिटिव है। हाँ चलो ठीक है, पर ये भी मैं जरूरी नहीं है बेटा, ये भी जरूरी नहीं है, हम तो फंक्शन की वैल्यू बात कर रहे हैं ना, यहां पर फंक्शन की बात हो रही है ना। क्या पता, मतलब एफ ऑफ वन पे सपोज मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 128 आ रही है, एफ ऑफ टू पे किसी भी फंक्शन पे 64 आ रही है, एफ ऑफ थ्री पे वैल्यू 65 आ रही है, आ तो सारी पॉजिटिव रही है, हमने कौन सी लेनी, स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, वो भी जैक नहीं हम लगा सकते। समझ आई मेरी बात, तो वो इट्स अ हिट एंड ट्रायल और तुम्हारा लक है उस टाइम पे,
इसीलिए ठीक है ना, वो भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है जब ऐसा डाउटफुल क्वेश्चन हो तो, टाइम नहीं है तो तुम रिस्क फैक्टर लेके चल सकते हो, बट अगर है तो आप प्रॉपरली एफ डैश एक्स निकालो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो और उसी पे चेक करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इफ एक्स इज रियल द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x+17 माइनस 1 0 1 2 चलिए बेटा, इफ एक्स इज रियल फाइंड द मिनिमम वैल्यू कैसे निकाले? बिल्कुल बिल्कुल करो, फिर मैं आपको एक तरीका और बताती हूं। कितनी वैल्यू आई है? आप तो वैल्यूज को देखो कह देते हो ये सबसे छोटी है, -1 ही ले लो, वो गलत हो जाएगा। मैंने अभी आपको हिंट दिया। अब मैं आपको एक लॉजिक बताऊं। हाँ जी, 2 no 1 आ रही है, चेक कर लो। माइट भी मेरा आंसर भी गलत हो सकता है क्योंकि 1 ही आ रही है। अब मैं आपको एक तरीका बताऊं, जब भी क्वाड्रेटिक आए ना पॉलिनोमियल की, क्यूबिक को तो टेंशन होती है, क्वाड्रेटिक आए ना तो बेटा कंप्लीट स्केयरिंग मेथड यूज करो। अब देखो, आपको याद होगा मैक्सिमा मिनिमा के चैप्टर में पहले पहले जो सम्स थे ना वो हिट एंड ट्रायल कंप्लीट स्केयरिंग से करते थे, है ना? वैसे तो आप यहाँ मतलब डेरिवेटिव लोगे तो सिंगल आएगा, एक वैल्यू आएगी उस पे चेक करो, वो भी कोई बड़ा नहीं है, बट अगर इवन पावर हो तो मेरे को लगता है कि आप कंप्लीट स्केयरिंग से भी कर सकते हैं। अगर मैं कंप्लीट स्केयरिंग करूं, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हुआ, 4, 4 का स्केयर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, ओके जी, ये क्या हो गया, एक्स -4 का होल स्केयर +1 मेरे पास। अब बेटा मुझे पता है जो स्केयर होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो दैट मींस कि मेरे पास एक्स -4 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं एडिंग 1 करूंगी, इसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी हमेशा, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1। ये हमने मेथड मैक्सिमा मिनिमा के स्टार्टिंग क्वेश्चंस में यही मेथड लगाते थे, जब भी क्वाड्रेटिक आए तो हम क्या करते हैं कि कंप्लीट स्केयरिंग करके मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्टली, ओके? हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, 8 का हाफ किया 4, 4 का स्केयर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, आप डायरेक्टली भी कर देते तो क्वेश्चन तब भी निकल जाना, कोई मुश्किल नहीं है डायरेक्ट करने में भी इसमें, बट एक जस्ट आपको वैसे बताया। ठीक है जी, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, चलिए निकालिए, मैं ऑप्शन नहीं दूंगी, दमन तुक्के लगाते हैं यहां पर। चलो अब निकाल के बताओ मैक्सिमम वैल्यू, जल्दी जल्दी। अब यहां बेटर है मत डेरिवेटिव करना, उतना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। क्या करो, क्वाड्रेटिक है ना नीचे, क्या करो, कंप्लीट स्केयरिंग मेथड, फैक्टर की निकालना, कंप्लीट स्केयरिंग मेथड से यूज करो जो अभी मैंने बताया, इसीलिए बताया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले 2 कॉमन लेना है, ले लो,
कंप्लीट स्केयरिंग में बेटर होता है कि एक्स स्केयर का कोफिशियंट यूनिटी हो जाए, तो मैंने 4 कॉमन लिया, एक्स स्केयर प्लस मेरे पास क्या हो गया यहाँ पर 1/2x प्लस 1/4, हाफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स 1 बाय कितना हो गया 4 का स्केयर यानी 1/16, ये यूज हो जाना है और ये माइनस करना, फिर यहां पर जो वैल्यू आएगी ना उसका रेसिप्रोकल ले लेना क्योंकि ये 1/1 में है। ओके जी, आंसर जी, आंसर देखे कहां है इसका 4/3, चेक कर लेना, आंसर इज 4/3। ओके एक सेकंड। ओके बेटा,